नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और मैंने आपको नोटिफाई भी किया था कि मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन पे एक प्रैक्टिस सेट हमारा आएगा, तो यहाँ पर सभी तरह के क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपका एग्जाम में, हमने असर्शन रीजन भी कवर किया है, कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स से रिलेटेड भी एमसीक्यू क्रिएट किए हैं। तो 30+ ये एमसीक्यू होंगे और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ये होने वाले हैं। तो आज इन्होंने थ्योरी सेक्शन हमारा ज्वाइन किया है, थ्योरी क्लासेस जो कंटिन्यू ले रहे हैं, तो ओनली 29 रुपीज में आपको थ्योरी क्लासेस जो मिल रही हैं। तो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इसका फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको ये प्रैक्टिस सेट बताएगा। मैंने आपको रिविजन करने के लिए कहा था, होप आपने किया होगा। और आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक तरफ है असर्शन और एक तरफ है रीजन, यानी कथन और कारण है। तो कथन है कि अनुचित पाठ्यक्रम के कारण बच्चों में मानसिक अस्वस्थता हो सकती है। अब ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करना होगा, रीड जो है बहुत केयरफुली करना होगा, बहुत केयरफुल आपको ये पढ़ना होगा कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। दोनों स्टेटमेंट को अगर आप ठीक से पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आसान होते हैं। तो पहली बात, अनुचित पाठ्यक्रम के कारण बच्चों में मानसिक अस्वस्थता हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, अगर पाठ्यक्रम अनुचित होगा तो मेंटली जो है अस्वस्थता हो सकती है बच्चों में। अब इसका रीजन बताया है कि अनुचित पाठ्यक्रम बच्चों की रुचियों और क्षमताओं के अनुसार नहीं होता। इसका कारण है कि अनुचित जो पाठ्यक्रम होता है बच्चों की रुचियों, अनुचित पाठ्यक्रम वही है जो रुचियों और क्षमताओं के अनुसार नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ऐसे ही ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। देखो, आर जो है रीजन जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है कि मानसिक अस्वस्थता हो सकती है अनुचित पाठ्यक्रम से, और अनुचित पाठ्यक्रम जो है बच्चों की रुचियों और क्षमताओं के अनुसार नहीं होता है। तो ए जो है आर का सही स्पष्टीकरण भी है और दोनों ही स्टेटमेंट सही भी है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानसिक स्वास्थ्य का सही सबसे सही अर्थ क्या है। सबसे सही अर्थ, शारीरिक रोगों की अनुपस्थिति, मानसिक रोगों की अनुपस्थिति, या दोनों, या वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करना। तो सबसे सही जो आंसर है वो है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करना। ये तभी कर पाएगा जब उसमें मानसिक रोगों की अनुपस्थिति भी हो और शारीरिक रोगों की अनुपस्थिति भी हो। लिंडल के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य का उद्देश्य क्या है। देखिए, लिंडल के अकॉर्डिंग बताना है, और ये क्वेश्चन जो है जो मैंने आपको वीडियो पढ़ाया है उसी के अकॉर्डिंग है। आप अगर वो वीडियो आप देखोगे तो उससे सारे क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग बने हैं। आप पीडीएफ देख सकते हो, पीडीएफ भी अगर आप पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन आपको थिंकर का नाम आएगा या कोई ईयर आएगा, किस ईयर में कौन सी चीज आई थी, तो वो सारा उस पीडीएफ से आएगा और उसी वीडियो के अकॉर्डिंग आएगा। तो एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा। और ये भी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि देखिए, डेटा बहुत ज्यादा है, जितना मैंने थ्योरी सेक्शन में पढ़ाया है क्वेश्चन उसी सिलेबस में से आएंगे। बस अब डिपेंड ये करता है कि टाइम काफी मिला 3 से 4 महीने में, आप लोगों ने वो सिलेबस कवर किस तरह से किया है वो मैटर करेगा कि आपके मार्क्स कैसे आते हैं। अगर आपने पूरा सिलेबस ठीक से अंडरस्टैंडिंग करके किया है तो आप लोग अच्छे मार्क्स जरूर ले आओगे, ऐसी मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास भी है। इस तरह से कोर्स को डिजाइन किया गया है। लिंडल के अकॉर्डिंग मानसिक स्वास्थ्य का उद्देश्य क्या है, तो आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप रिविजन करके आए हैं तो आपको पता है कि लिंडल ने कहा था, समाज में सामंजस्य स्थापित करना ही मानसिक स्वास्थ्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों में मानसिक अस्वस्थता के कौन से कारण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, यानी जो मानसिक अस्वस्थता के ऐसे कौन से कारण है जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब देखिए, यहाँ पर स्टेटमेंट एक एक, माता पिता का अत्यधिक संरक्षण और अनुचित पाठ्यक्रम, ये भी है, हमने एक एक पॉइंट को ये डिस्कस किया है। शारीरिक दोष और वंशानुगत रोग, ये भी, मानसिक संघर्ष और दमन की गई इच्छाएं, यानी जो दमित इच्छाएं होती हैं, यानी उपरोक्त सभी जो है ये मानसिक अस्वस्थता के कारण है। अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा में अत्यधिक नियंत्रण का बच्चों पर क्या प्रभाव हो सकता है। अगर बच्चों पर अत्यधिक नियंत्रण रखें, हमने पढ़ा था कि अत्यधिक नियंत्रण भी सही नहीं है कक्षा में, तो क्या होता है, देखिए, आत्मविश्वास में वृद्धि कहाँ से हो पाएगी, इससे मानसिक तनाव होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर से असर्शन रीजन है,
असरसन आपके पास कक्षा में अत्यधिक नियंत्रण बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, जो कि बिल्कुल सही बात है, हम अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए हैं। रीजन बताया गया है, कारण इसका है कि अत्यधिक नियंत्रण से बच्चों में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। अत्यधिक नियंत्रण से बच्चों में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। तो देखिए, कथन भी आपका सही है कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है अत्यधिक नियंत्रण, और अत्यधिक नियंत्रण से क्योंकि बच्चों के आत्मविश्वास में कमी होती है, तो आपका रीजन भी सही है, यानी ए और आर दोनों स्टेटमेंट सही है, और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, बच्चों में आत्मनिर्भरता का अभाव किस कारण से हो सकता है? जो आत्मनिर्भरता है उसका अभाव किस कारण से हो सकता है? ऑप्शन आप देख सकते हैं, विद्यालय में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, माता पिता का अत्यधिक प्यार और संरक्षण, शारीरिक रोग, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वंशानुगत कारणों से बच्चों में कौन सा मानसिक रोग उत्पन्न हो सकता है? देखिए, जो हेरिडिटी है वंशानुगत कारण है उनसे कौन सा रोग, देखिए अवसाद वंशानुगत नहीं होता है, चिंता भी नहीं होता, सिजोफ्रेनिया जो है एक आनुवंशिक रोग है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हीनता की भावना के क्या परिणाम हो सकते हैं? अगर हीनता की भावना आपके अंदर आ रही है तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है? तो इसका रिजल्ट हो सकता है, देखिए हमारे आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, मानसिक रूप से तनाव में रह सकते हैं, व्यक्तिगत विकास में भी बाधा आएगी, तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके पास फिर से असर्शन रीजन वाला स्टेटमेंट है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आप अगर रीड अच्छे से करते हो, ध्यान से पढ़ते हो, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी, चैनल में भी एक क्वेश्चन पोस्ट किया था, 50% लोग भी सही आंसर नहीं कर पा रहे थे, जबकि क्वेश्चन बहुत आसान था। अगर आप सही से रीड करोगे तो आप सही आंसर भी करोगे। देखिए, बच्चों में हीनता की भावना उत्पन्न होना उनके मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, बिल्कुल सही बात है। रीजन बताया गया है, हीनता की भावना बच्चों में आत्मविश्वास की कमी का कारण बनती है। तो क्या हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो पहले की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शारीरिक दोषों के कारण बच्चों में कौन सी मानसिक स्थिति उत्पन्न हो सकती है? शारीरिक दोषों के कारण, अब देखिए यहाँ पर शारीरिक दोषों के कारण आत्मविश्वास वहां से आएगा, संतोष साहस सारे पॉजिटिव है, हीनता उत्पन्न हो सकती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानसिक संघर्ष के परिणाम स्वरूप बच्चों में क्या उत्पन्न हो सकता है? अगर मानसिक संघर्ष कोई चल रहा है तो उसके कारण क्या, उसके कारण मानसिक अस्वस्थता उत्पन्न हो सकती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिक्षकों को बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य सुधार के लिए क्या करना चाहिए? तो शिक्षकों को बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? केवल शिक्षा प्रदान करना, समस्याओं को समझना और समाधान करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डांटना नहीं, कोई भी नहीं तो वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। भारतीय बाल स्वास्थ्य नीति का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? भारतीय बाल स्वास्थ्य नीति का प्रकाशन हुआ था वर्ष 2005 में। तो ये इंपॉर्टेंट अगेन क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, और मैंने कहा कि सेम उसी वीडियो से आपके क्वेश्चन बनाए गए हैं, बाहर से कहीं से नहीं बनाए गए हैं। और क्वेश्चन जो भी अगर मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन से क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में, तो इन्हीं में से बनेगा। देखो, डायरेक्ट मैं नहीं बोलता हूँ, हो सकता है कि अलग अलग क्वेश्चन से कुछ स्टेटमेंट उठा ले, तो इस तरह से, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, तो ऐसा नहीं होगा कि एक ही टॉपिक से आपको दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि दो तीन टॉपिक से आपको एक ही क्वेश्चन बना के दे दे अलग अलग स्टेटमेंट निकाल के, तो थोड़ा सा आपको केयरफुली करना होगा और थोड़ा सा फोकस ज्यादा रखना होगा। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मेंटल हेल्थ साइंस भी हमने एक टॉपिक वहां पर डिस्कस किया था, इसका मुख्य उद्देश्य जो है मानसिक रोगों का इलाज भी है, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना भी है, और मानसिक रोगों की रोकथाम भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से एक असर्शन रीजन दिया है क्वेश्चन, कथन है शारीरिक दोष बच्चों में मानसिक अस्वस्थता का कारण हो सकते हैं, और रीजन बताया है कि शारीरिक दोष बच्चों में हीनता की भावना उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है, यानी ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। अगला देखिए, मानसिक स्वास्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? मेंटल हेल्थ का सबसे महत्वपूर्ण पहलू हमें चुनना है इनमें से, तो इनमें मानसिक शांति भी है, सामाजिक संयोजन भी है, और व्यक्तिगत संतोष भी है, यानी सभी का अगर संयोजन होगा, इन सभी का अगर संयोजन होता है तो वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण पहलू होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में मानसिक अस्वस्थता के लिए कौन से शारीरिक कारण सबसे महत्वपूर्ण है? मानसिक अस्वस्थता के लिए शारीरिक दोष, वंशानुगत रोग,
शारीरिक स्वास्थ्य का अभाव, ये सभी जो है महत्वपूर्ण है, सभी कारण जो है जिम्मेदार होते हैं एक तरह से। अगला फिर से कथन कारण है, कथन है बच्चों में वंशानुगत रोग मानसिक अस्वस्थता का कारण हो सकते हैं, और रीजन दिया गया है, कारण दिया गया है कि वंशानुगत रोग बच्चों के मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो वंशानुगत रोग बच्चों के मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं, ये भी सही है, और अनुवांशिक रोग मानसिक अस्वस्थता का कारण हो सकते हैं, ये भी सही है। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है? अगर मानसिक स्वास्थ्य सुधार करना है तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय हमें चुनना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, रुचि और योग्यता के अनुसार शिक्षा, अच्छी शिक्षण पद्धति, अच्छा वातावरण, तो सभी प्रयोग कर सकते हैं। किसने मानसिक स्वास्थ्य का उद्देश्य वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करना बताया है? अगेन ये स्टेटमेंट से क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट ये स्टेटमेंट है, किसने दी है ये स्टेटमेंट? तो ये स्टेटमेंट जो है ये लिंडेल की स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चों में मानसिक अस्वस्थता के मानसिक कारण कौन से हैं? मानसिक कारण बताने हैं, तो मानसिक संघर्ष भी है, दमन की गई इच्छाएं भी हैं, और हीनता की भावना भी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वो केवल अंकों की प्राप्ति, ये तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, प्रतियोगिता में सफलता, ये सबसे महत्वपूर्ण नहीं होगा, केवल पाठ्यक्रम की समाप्ति भी नहीं होगा, मानसिक और शारीरिक विकास दोनों तरह का, वैसे सर्वांगीण विकास होता है ना हमारा मुख्य लक्ष्य। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? मेंटल हेल्थ डे, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है ये कब मनाया जाता है? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस आपका मनाया जाता है 10 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आज मैंने आपको क्वेश्चन नहीं दिया, आपके लिए क्वेश्चन आज का ये है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब से मनाया जाता है, वेन, कब से ये मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यालय में अनुचित पाठ्यक्रम का बच्चों पर क्या प्रभाव हो सकता है? अनुचित पाठ्यक्रम का प्रभाव हो सकता है आपके पास, उच्च अंक प्राप्त करना तो नहीं हो सकता, उनकी रुचियों और क्षमताओं के अनुसार शिक्षा न मिलना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिर से असर्शन रीजन है, कथन है आपके पास, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा बच्चों में मानसिक तनाव का कारण बन सकती है, अगर बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा हो तो बच्चों में मानसिक तनाव हो सकता है, ये सही है। प्रतिस्पर्धा से बच्चों में आत्मसंतोष और आत्मनिर्भरता का विकास होता है, लेकिन प्रतिस्पर्धा जरूरी भी है कि इससे आत्मसंतोष और आत्मनिर्भरता का विकास भी होता है। तो स्टेटमेंट तो फिर से हम कह सकते हैं, देखिए पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन प्रतिस्पर्धा से आत्मसंतोष और आत्मनिर्भरता ये गलत है, प्रतिस्पर्धा से आत्मसंतोष नहीं होता है, आत्मसंतोष प्रतिस्पर्धा के बाद पुरस्कार और पुरस्कार से होता है आत्मसंतोष आत्मनिर्भरता, है ना, प्रतिस्पर्धा जीतने के बाद। तो प्रतिस्पर्धा मानसिक तनाव, जब तक प्रतिस्पर्धा है, जब तक प्रतिस्पर्धा चल रही है तब तक टेंशन ही रहता है, मेंटल स्ट्रेस ही रहता है, तो यानी आत्मसंतोष आत्मनिर्भरता का विकास नहीं होता है उस दौरान, प्रतिस्पर्धा के दौरान। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कथन ए तो हमारा सही है, लेकिन कारण आर जो है वो गलत है, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर से एक क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन का, असर्शन है आपके पास कि मानसिक स्वास्थ्य का उद्देश्य मानसिक रोगों की अनुपस्थिति है, जो कि ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य का मतलब होता है मानसिक रोगों की अनुपस्थिति, नहीं, यही गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो मानसिक स्वास्थ्य का मतलब केवल मानसिक रोगों की अनुपस्थिति नहीं है, ये स्टेटमेंट हमने डिस्कस किया था थ्योरी में, केवल मानसिक रोगों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि अन्य जो पक्ष हैं, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो अन्य जो भी पक्ष होते हैं, वो सभी का सामंजस्य स्थापित करने वाले, तो वो सारे सही होने चाहिए, तो वो मेंटली फिट कहलाएगा, मेंटली हेल्थी व्यक्ति कहलाएगा। रीजन बताया गया है, मानसिक स्वास्थ्य केवल मानसिक रोगों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि समग्र विकास का प्रतीक है। अब देखिए ये वाला तो सही है, यानी रीजन आर सही है, कथन ए गलत है, ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन नंबर डी है, ए गलत है लेकिन आर सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, DSM-3 डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ये
ये जो है DSM-3 यानी डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, DSM भी पूछ सकते हैं। तो DSM का ही फुल फॉर्म है ये, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? इसका प्रकाशन आपका 1980 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने मानसिक स्वास्थ्य और मानवाधिकारों पर पहली रिपोर्ट कब जारी की थी? तो अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यूएन ने जो है मेंटल हेल्थ और जो ह्यूमन राइट्स हैं उन पर पहली रिपोर्ट कब जारी की थी? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन, और सही आंसर आपका हो जाएगा ये 2005 में जारी की थी। अगला क्वेश्चन है, अनुचित पाठ्यक्रम के परिणाम स्वरूप बच्चों में क्या हो सकता है? अगर अनुचित पाठ्यक्रम है तो बच्चों में क्या हो सकता है? तो उनकी रुचियों और क्षमताओं के अनुसार शिक्षा नहीं मिलती है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो कुल मिलाकर 31 MCQ हमने डिस्कस किए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आप कितने मार्क्स ले आए वो जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि अभी भी आप कोर्स को कवर कर सकते हो, 1 महीने से ज़्यादा का समय है, तो आप हमारा कोर्स ओनली 29 रुपीज़ में ज्वाइन कर सकते हैं। खासकर ऐसे लोग जिन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली है और कोचिंग अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं, बहुत महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए हमने ये कोर्स डिजाइन किया है। अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो आप अपने ऐसे दोस्तों तक शेयर जरूर करें जिनको इस तरह के कोर्स की आवश्यकता है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।